छानी चल रही हो अगर लॉ वाली मतलब ये कानून से रिलेटेड कोई भी चीज, मैं उनके उन्हें बताया करती थी, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी मेरे से कि ये तो सशक्त बना रही है महिलाओं को, और पहले तो कोई भी महिला काम नहीं करती थी उस टीम में, मैं ही बस अकेली थी। अब उन्होंने मेरे को उस दिन बोला कि 4 बजे आप फील्ड का फील्ड चले जाओ, फील्ड में आपको जाके देखना है, सबका सुपरविजन करना है। अब आपको मैं बता रही हूँ, बस्तर बंद हो जाता है 5 बजे, सो जाते हैं मान लो, मुझे बोला गया 4 बजे जाके। मैंने बोला ठीक है मैं चली जाऊंगी, क्योंकि वो मैंने बोला कि सर ये तो सही बात नहीं है, मैं मेरे को तो अभी दिल्ली वाली टीम ने ही बोला कि आप मॉर्निंग से कल से सुपरविजन चालू कर दो 10 बजे से, ठीक है। उसके बाद बेसिकली उन्होंने मेरे को एक टॉन मारा, बोला कि अच्छा तुम तो बहुत बड़े शहर से आई हो, तुम बोलती थी कि कुछ बदलाव लाओगी, और अब क्या हुआ, जब बदलाव का समय आया तो तुम डर गई। तो मैंने बोला डरी तो बिल्कुल नहीं हूं, तो मैंने बोला मैं जाऊंगी। बोले कि कोर एरिया में आप गाड़ी से नहीं जा सकते, वो मैंने बात समझी कि हाँ ठीक है हर जगह, तो वो बोले कि और बारिश होनी चालू हो गई, उन्होंने बोला कि तुम एक्टिवा से जाओ। तो उसमें मेरे को तो समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इनको कुछ तो मेरे को परेशान करना है। मैंने बोला सर पानी गिर रहा है ये वो, अब मैं तो बोले डर गई क्या, बार बार यही चीज। मैंने बोला एनीवेज आई हो मैं जाऊंगी। मैं बिल्कुल हम 4 बजे निकले वहां से, और हमने पूरा सर्वे लिया, वो बिल्कुल कोविड नक्सल जोन था, बास्तनार, अगर आप लोग सुने होंगे, बास्तनार एक जगह जो देश का बहुत सबसे पिछड़ा जगह है, जगह बोला जाता है, बट मुझे वो जगह बहुत सुंदर लगी पर्सनली। तो मैं वहां गई, वहां पे रेडियो लगते हैं हर पंचायत ऑफिस में, तो वो रेडियो का सुपरविजन करने मुझे जाना था कि जो भी पॉलिसीज चल रही है वो वहां मतलब वहां तक लोगों तक पहुंच रही कि नहीं, और रेडियो वहां पे चल नहीं रहते। बाकी जगह ये बोल दिया गया था सब पंचायत ऑफिस में कि रेडियो वर्किंग है। मैंने पूरा ये रिपोर्ट दिया एंड कलेक्टर साहब सब रेसिडेंशियल कलेक्टर थे वहां के, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया काफी।